जब होली है रंगों का त्योहार, तो खाना भी बनेगा आज रंग में डूबा हुआ। जी हाँ, रंग बिरंगे बनाते हैं नमकीन सुपर क्रिस्पी सुपर टेस्टी। बनाना हर बार की तरह बहुत आसान। तो चलिए भाई, देर किस बात की, फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं मैदा। मैदे का ही बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे मेहमान खाएंगे, अपने लोग खाएंगे, स्वाद भी होना चाहिए। तो आज हेल्थ को रखते हैं जरा सा साइड में, पूरा नहीं जरा सा साइड में, और लेते हैं मैदा एक कटोरी। उसमें अब आप डालिए 2 से 3 बड़े चम्मच सूजी, रवा की। सूजी को ज़रूर डालें, क्रिस्पी इसी से बनने वाला, और सूजी के और फायदे आगे मैं बताती हूँ। अब इसमें डालिए अपने स्वाद के अनुसार नमक, नमक को हल्का सा तेज़ डालें, और अजवाइन को लिया हुआ है 1 चम्मच। इसे अच्छे से हाथों से रगड़ के क्रश करके हम डालेंगे। अब इसमें जरा सी हींग, हींग का स्वाद अगर आपको बिल्कुल नहीं पसंद है तब तो आप इसे नहीं डालें, अगर पसंद है तो ज़रूर डालें। साथ में कसूरी मेथी, इसे भी अच्छे से हाथों से हम रगड़ेंगे, फिर इसे डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अब ले लीजिए या आप कोई भी ऑयल या फिर घी, घी है होली है तो घी ही डालें, तभी तो खाने का स्वाद और भी कई गुना बढ़ के आएगा। घी को लेकिन हम गर्म कर लेंगे, और उसके पहले इन सारी चीज़ों को पहले एक बार हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके बाद घी को मैंने गर्म कर लिया हुआ है। मोयम जब आप डालें, घी को गर्म करके डालें कि घी हमारी मेल्ट हो जाए, जमी हुई ना रहे, और अगर आप उसकी जगह कोई दूसरा ऑयल भी डाल रहे हैं, रिफाइंड अगर डाल रहे हैं तो उसे आपको गर्म करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर घी डाल रहे हैं तो घी को आप गर्म करके डालें। और अब अपनी हथेलियों से सारा मोयम मैंने एक बार नहीं डाला, इसे मोयम कहते हैं। जब हम घी या तेल को डाल के इसे अच्छे से मिलाते हैं, इसे मोयम कहते हैं। सारा एक साथ नहीं डाला हुआ है, पहले ज़रा सा डाल दिया, उसे अच्छे से मिला लिया, और फिर बचे हुए घी को इसमें डाल के, अब 2 बार में सिर्फ घी को डाला है, अच्छे से इसे मिलाएंगे। 1 छोटी कटोरी से भी कम घी मैंने डाली हुई है 1 बड़े कटोरी मैदे में। इसे आपको अच्छे से मिलाना है, ऐसे सोचिए जैसे आप होली खेल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। जब मुट्ठी बनने लगे, उसके बाद अब इसमें आप डालिए मैगी मैजिक मसाला। जी हाँ, मैगी मैजिक मसाला डालें, और सच में मैजिक देखिएगा आपको ये बनने के बाद, जब आप खाएंगे मज़ा ही आ जाएगा, मैजिक आ जाएगा, जादू चल जाएगा। 1 सैशे को 1 कटोरी, अगर अंदाज से आप देखें तो 1/2 किलो है हमारा ये मैदा। मेरी जो कटोरी थी वो 1/2 किलो की थी, उसमें सूजी भी डाला। अब पानी को लेंगे हल्का सा गुनगुना, तेज गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं, हल्का बस गुनगुना आप पानी ले। इससे हमारा आटा जो है अच्छे से गूंथता है, सूजी बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो गर्म पानी के और भी बहुत सारे हैं फ़ायदे, हमने घी को भी डाला हुआ है, तो हल्का गुनगुना पानी ले, और जरा जरा सा पानी को डाल के इसका एक टाइट सा डो हम तैयार करेंगे। सॉफ्ट बिल्कुल भी हमें नहीं रखना है, इतना टाइट हो कि आपको बेलने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, लेकिन जिस लेवल तक आप इसे बेल पाए कड़े में, उतना टाइट आटा आप इसका तैयार करें। हल्का हल्का हाथों में पानी या घी को लगा के थोड़ा इसे आप माड़ दें, अच्छे से गूँथ दें। टाइट आटे को जब आप अच्छे से गूँथते हैं, बेलना आसान हो जाता है, आटा टाइट लगाएंगे। अब लीजिए जरा सा कलर, फूड कलर, जिस भी कलर आपको हो पसंद, लाल, पीले, हरे, नीले, गुलाबी, पीले, जो कलर हो। मैंने लिया हुआ है हरा, और 1 बड़े से बाउल लोई को निकाल करके उसमें सिर्फ डाल देंगे हम जरा सी कलर। भाई कलरफुल भी बनानी है और हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो सिर्फ जरा सा कलर लगाया है, और मेरी होली तो अभी से बन गई, हथेलियों पे लग गया है कलर। इसको रखते हैं साइड में। इस नमकीन को हम 2 तरीके से बनाने वाले हैं, मठरी भी बनाएंगे, नमकीन भी बनाएंगे, एक ही आटे से। सबसे पहले आप ले लीजिए 1 लोई, थोड़ी सी बड़ी, ना बहुत छोटी ना बहुत ही बड़ी, इतना कि आपके चकले पे ये अच्छे से बिल जाए। बहुत पतली हमें इसे नहीं रखनी है, जो इससे हम मठरियों को बनाते हैं ऐसे मोटी पतली कितनी रखनी है
कुछ हद तक इतना मायने नहीं रखता भाई, त्यौहार है, फटाफट बनाने हैं तो ज़्यादा नहीं सोचना है। बेल के और किसी भी कटर से, छोटे ग्लास हो, छोटी कटोरी हो, छोटी बड़ी, जिस भी साइज की उससे आप इसे काट लें। छोटे छोटे बर्तन होते हैं, थोड़े से नुकीले, कटर है और भी अच्छी बात है। मेरे पास कटर है, मैंने इसे काट लिया और छोटी छोटी साइज़ की रखी हुई है, बहुत छोटी नहीं, मीडियम साइज़ की है, ना बहुत छोटी बनाई ना ही बड़ी। अब कोई भी आप ले लीजिए ऐसा कांटा, फोक नहीं है तो कोई भी पतली धार वाली हो, उससे इसे अच्छे से आपको छेद कर देना है, पूरे में छेद कर देनी है, क्योंकि हमें इसे कुरकुरा बनाना है, नहीं करेंगे तो ये फूलने लगेगी तेल में जाते ही। ऐसी हमारी बनके हो गई तैयार। अब बैठाइए तेल, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल धीमी करके, तेल गर्म हो जाए फ्लेम को बिल्कुल आपको धीमी करनी है, उसके बाद आप इसमें डालें। डालने के बाद लो फ्लेम पे रखें कुछ सेकंड के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए रखें लो फ्लेम पे, फिर बिल्कुल धीमी से आप थोड़ी सी हाई कर दें, लेकिन मीडियम फ्लेम नहीं रखें, मीडियम से हल्की सी कम रखें, क्योंकि ये बहुत मोटी तो हमने बेली नहीं है, पतली है, बहुत जल्दी ये सिक जाएगी, कुरकुरापन नहीं आएगा, इसलिए सेकते समय थोड़ा सा ध्यान दें। और बिल्कुल कुरकुरी हमारी ये मठरी बनके है तैयार। इसे आप ऐसे ही सर्व कर दें, मसालेदार, मज़ा आ जाएगा खा के, यकीन मान लीजिए। अब लेते हैं दूसरी एक लोई, उसे हल्का सा बेलें, जो हमने कलर को भर के रखा हुआ है उसे इसके अंदर डाल के, ज़्यादा नहीं सोचना है, बस अंदर में डालिए और इसे लपेट दीजिए। लपेटना है, खाना नहीं है, लपेटना है इसे, लपेटना खाने की भाषा में भी बोलते हैं, वो होली में होता है। अब इसे हम अच्छे से चारों तरफ से, बस आपको फोल्ड कर देना है, रोल बनाइए इसे। अब उठाइए एक कैंची, सीजर उठाइए, पतली बड़ी कैसी भी जो है मोटी रखिए और बस इसे काटना आप शुरू कर दीजिए। सीजर को घुमा घुमा के, छोटे बड़े साइज, मेहमान जो आते हैं होली में सिर्फ वो टेस्ट ही देखेंगे, ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं देखता, तो हमें बिल्कुल परफेक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इक्वली हो जाए, एक बराबर हो जाए, उस टेंशन को रखते हैं साइड में। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में ही इसे ऐसे कट करके डाल सकते हैं, या बड़े प्लेट में कर लीजिए, ये बिल्कुल भी आपस में चिपकती नहीं है, बनाना बहुत 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 आसान, बेलने का काटने का कोई झंझट ही नहीं, बिना झंझट ये कट के है तैयार। और अब इसे हम सेम वैसे ही तल लेंगे, फ्लेम धीमी रखेंगे, इसका हमें फिर से ध्यान रखना होगा, मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे आपको बिल्कुल भी नहीं तलना है। अगर आपने तल दिया, आपकी जो ये नमकीन है, मठरी है, वो टेस्ट तो आएगा लेकिन कुरकुरापन नहीं आएगा, सेम वैसे जैसे आप कोई सुपर सी टेस्टी सी सब्जी बनाए लेकिन नमक हो जाए फीका, तो स्वाद हो जाएगा ना फीका, वही बात आएगी इस नमकीन के साथ। तो तलते समय सबसे जो इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है तलना, धीमी आंच पे तलें, सुनहरा होने दें और फिर निकालें। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, गर्म गर्म आप पैक करेंगे तो भी बाद में वो लूज हो जाती है, जब ठंडी हो जाए इसे स्टोर करके रखें, खिलाएं, होली मनाएं, इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। और चलिए मिलके मनाते हैं होली। अभी ला रही हूँ और भी रेसिपी, टाइम है कम, थोड़ी हो गई हूँ मैं लेट। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बनाएं, होली का मोस्ट वेलकम करें, इंजॉय करें, खुश रहें, रंगों से भरा ये त्यौहार मनाते रहें, त्यौहार ऐसे ही आते रहें और हम मनाते रहें। बाय बाय एंड थैंक यू।